उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग का गोरखपुर एनेक्सी भवन पहुंचने पर जनपद के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने बताया कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं के लिए व उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में व्यापार चलाने के लिए एक माहौल बनाया है। अब विदेशों से व्यापारी आकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। 2014 से पहले देश में व्यापार को बढ़ावा देने का कोई माहौल नहीं था। व्यापारी उद्योगों को छोड़कर भाग रहे थे। एमएसएमई उद्योग सब बंद हो चुका था, लेकिन 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब व्यापारी बिना डर के अपना व्यापार कर रहे हैं। गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। अब व्यापारी सम्मान के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी गई है, जिससे व्यापार का माहौल बना है। व्यापारियों को बिजली की समस्याओं से छुटकारा मिला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा, इधर ले लीजिए, मैं एक मिनट प्लीज बता। मैं लघु उद्योग भारती के तो अध्यक्ष और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के लिए गोरखपुर की पावन धरती पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं के लिए, उनकी कठिनाइयों के लिए, उनके व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कमर कसकर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्योग चलाने का एक माहौल तैयार किया है। 2014 से पहले देश में भी व्यापार का और उद्योग का चलाने का कोई माहौल नहीं था। लोग उद्योगों को छोड़कर भाग रहे थे। एमएसएमई उद्योग सारा बंद हो चुका था, परंतु 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से औद्योगिक और व्यापारिक प्रगति का रास्ता बना है, सारे व्यापार को चाहिए सबसे पहले सम्मान, व्यापारी को सम्मान और व्यापार की उद्योग की सुरक्षा। उसके लिए सभी माफिया, राजनीतिक माफिया, सामाजिक माफिया, क्षेत्रीय माफिया, गुंडे मवाली जो भी लोग थे, उन सबको किनारे करके प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण दिया गया है और व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। उससे व्यापार का माहौल बनाए, उद्योग चलाने का की राह आसान हुई है। उसी प्रकार से फिर बिजली की समस्या से छुटकारा मिला है। बिजली उद्योग और व्यापार के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, आवश्यक साधन है, उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया है। तीसरा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप और इंस्पेक्टर राज का जो साम्राज्य होता था, उस इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए सभी विभागों में पारदर्शिता अपनाई जा रही है। उस पारदर्शिता के उस ट्रांसपेरेंसी से तो लोगों को हिम्मत भरी है, व्यापारियों की कठिनाइयाँ कम हुई हैं और इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार सभी विभागों में पारदर्शिता अपना रही है। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो व्यापारी को प्रतिनिधित्व देकर व्यापारी और सरकार के बीच में सेतु का काम करने का सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और साथ में दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, इस पर जो अपने मंडी समितियाँ हैं उन मंडी समितियों में भी 3 लाख रुपए का आढ़तियाओं को और व्यापारियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा देना और जो जिन्स आपदा विपदा में ख़राब हो जाती है उनको भी 3 लाख रुपए की का बीमा कवर देना और व्यापारी को पेंशन योजना के माध्यम से
सरकार ने लाभ देने का काम किया है। हम उस पेंशन योजना को और व्यापक बनाए जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, संघर्षशील हैं। इसी प्रकार से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने व्यापारी आपदा कोष स्थापित करने के लिए सरकार से निवेदन किया है, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि आपदा कोष का स्थापना की जाए, जिससे कि व्यापारी के साथ जो दुर्घटनाएँ घटती हैं, उसका माल छिन जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, आपदा विपदा में खराब हो जाता है, उसकी भी सुरक्षा हो सके, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में उद्योगों को और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा दिया गया है, और एमएसएमई को एक टेबल पर बैठकर सारी समस्याओं का समाधान और सारे रजिस्ट्रेशन आदि देने का काम जो सरकार ने किया है, उससे व्यापारी बहुत प्रफुल्लित है। समस्याएँ लगभग नगण्य हो गई हैं, परंतु दैनंदिनी की समस्याएं सामने आती है, कोई भी कठिनाई सामने आती है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार भी पूर्णतया प्रयत्नशील रहती है और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड भी उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है, और साथ में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से उन समस्याओं का निदान करने का, इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का, व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का काम सरकार भी कर रही है, और हम सामाजिक स्तर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से निरंतर प्रयत्नशील हैं, और व्यापारी अपने को बहुत सुरक्षित और उत्साहित महसूस कर रहा है। उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश जो 13वें और 14वें स्थान पर औद्योगिक प्रगति में, GDP में, अर्थव्यवस्था में रहता था, वो आज दूसरे स्थान पर आया है, और मुझे लगता है कि आगामी एक दो साल में ही वह उत्तर भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा।